हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, आई मीन मैग्नेटिक फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्या है, क्यू है। क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस पॉइंट पे बी है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं, वो कितना होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, वी क्रॉस क्या है, बी। वी क्रॉस वी, वी क्या है, क्यू क्या है, दिस इज क्या है, चार्ज। चार्ज वी क्या है, वेलोसिटी। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो होगा क्या होगा, यहां से हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा बता सकते हो, पहले क्या चीज पे कि चार्ज, आई मीन क्या होगा, क्यू। दूसरा क्या है, स्पीड। यहां से आप देख सकते हो क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, क्यू वी क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, या यहां हम लिख सकते हैं, देखो डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, जिसे हम लिख लें यहां एफ का मैग्नीट्यूड लिख लें, एफ इक्वल टू क्यू वी बी क्या होगा, साइन थीटा, है ना, यही होगा ना, क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं डिपेंड ऑन क्या लिख सकते हैं, चार्ज, चार्ज आई मीन क्या होगा, क्यू। दूसरा क्या होगा, स्पीड, स्पीड ऑफ चार्ज, ठीक है। तीसरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और चौथा जो होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन क्या होगा, एंगल आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी, दिस इज वी, है ना, दिस इज वी, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बी एंड क्या होगा, बी। यही क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी, है ना। तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, क्यू वी बी एन थीटा पे क्या होगा डिपेंड करेगा। क्यू स्टैंड फॉर चार्ज, वी स्टैंड फॉर स्पीड, बी स्टैंड फॉर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन क्या होगा, वी एंड बी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और डायरेक्शन अगेन क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, राइट हैंड पाम रूल यूज करके या राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फिगर का आउट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, ये ध्यान देना है कि चार्ज जब पॉजिटिव होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो यहां से हम डायरेक्शन लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, क्या होगा, यहां फर्स्ट लिखेंगे इफ क्या होगा, इफ चार्ज इज क्या होगा पॉजिटिव, देन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, चार्ज इज पॉजिटिव देन एफ एम इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, वी क्रॉस क्या हो जाएगा। जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा। यदि अब यहां देखो चार्ज पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं वी क्रॉस बी का डायरेक्शन इस केस में क्या होगा, आउट ऑफ द बोर्ड होगा, क्या होगा, आउट ऑफ द बोर्ड होगा। यदि चार्ज निगेटिव होगा तो क्या होगा, इनटू द
वोट होगा। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि इफ क्या होगा, बी में क्या लिखेंगे, इफ इफ चार्ज चार्ज इज क्या होगा, निगेटिव, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, या देन डायरेक्ट लिख सकते हैं, देन क्या लिख सकते हैं, एफ एम इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू क्या होगा, वी क्रॉस वी, है ना, क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल क्या हो जाएगा, वी क्रॉस वी हो जाएगा। जैसे देख लो यहाँ, यहाँ हमने अभी क्या है, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, है ना, और यहाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, तो यहाँ आप वी क्रॉस बी का डायरेक्शन जब देखोगे तो क्या होगा, वी क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, इनटू द, और चार्ज पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनटू द बोर्ड, ठीक है, क्या होगा, सॉरी इनटू द बोर्ड नहीं होगा, गलत बोल दिया, आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। यहां आप देखोगे सेम केस, यदि ये क्या है, वी वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल अगेन क्या है, मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या है, बी, तो यदि ये चार्ज निगेटिव होगा तो वी क्रॉस बी का अगेन जब डायरेक्शन देखोगे तो क्या होगा, आउट ऑफ द बोर्ड होगा, लेकिन यहां मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इनटू द बोर्ड, क्या होगा, नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज विल बी क्या होगा, पैरेलल टू द क्या होगा, वी क्रॉस, आई मीन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। यदि क्या होगा, चार्ज निगेटिव होगा तो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो वी क्रॉस बी के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और आप वी क्रॉस बी या ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। पहला जो हम टाइप पढ़ेंगे क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला जो टाइप होगा, तो यहां एक चीज याद रखना कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो नोट में मैं लिख देता हूं एज लाइक, नोट में क्या लिखेंगे, एज लाइक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या होगा, ऑन मूविंग चार्ज इज क्या होगा, एन एक्सियल वेक्टर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नाम देते हैं स्यूडो वेक्टर, ठीक है। तो अब हम यहां क्या पढ़ेंगे, तो याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी, क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा, क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब हम पहला जो टाइप पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन पार्टिकल इन यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन बी क्या होगा, दैट इज यहां हम क्या पढ़ेंगे, बी जो होगा वो बी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। पहला जो केस होगा कि क्या होगा, देखो केस क्या क्या हो सकता है, कि चार्ज क्या हो सकता है, आई मीन पार्टिकल क्या हो सकता है, चार्जलेस, है ना। जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि किसी भी अनचार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया, तो जब हम अनचार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे
तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा यार, जीरो लगेगा। आई मीन व्हेन एवर अनचार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, आइदर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और चार्ज पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, अनडेविएटेड क्या होगा, मूव करेगा, और आई मीन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या होगा, मूव करेगा। तो पहला जो इसमें केस है, ध्यान देना, हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद आप कोई बुक सॉल्व कर सकते हो। तो पहला जो इसमें केस है, केस क्या है, पार्टिकल इज क्या है, पार्टिकल, केस फर्स्ट में क्या है, पार्टिकल पार्टिकल इज क्या होगा, चार्ज लेस, इस केस में क्या होगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यही मान लो कि क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द बोर्ड, इनटू द क्या है, बोर्ड, ठीक है, और ए बी है, किसी चार्जलेस पार्टिकल को हमने क्या किया, फेंक दिया इसमें, है ना, ये क्या है, यहाँ चार्ज क्या है, जीरो है, कोई पार्टिकल है और वो भी वेलोसिटी से हमने उसको फेंक दिया। तो आपसे मैं बोलूं कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, तो पहले एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस क्या होगा, बी। अब देखो क्यू जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, हेंस चार्ज, चार्जलेस पार्टिकल, हेंस द चार्जलेस पार्टिकल विल मूव इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, अलोंग स्ट्रेट लाइन, आई मीन विदाउट डेविएशन, क्यों, क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स उस पर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन, नोट में यहां लिखेंगे कि व्हेन क्या होगा, यहां व्हेन ए चार्जलेस, ए चार्जलेस पार्टिकल is projected in magnetic field, simple लिख देता हूं, magnetic field, यहां लिख लेना uniform और non uniform, then क्या होगा, then magnetic force will be क्या होगा, will be zero, and hence particle क्या होगा, particle will move along a straight line क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या होगा, मूव करेगा विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, क्या लिखेंगे, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। क्या होगा, तो फर्स्ट केस था कि क्या होगा, जब चार्ज पार्ट क्या होगा, पार्टिकल क्या हो, चार्जलेस हो। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस देखो क्या है कि क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, क्या होगा, क्या होगा, ये पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, व्हेन क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा, when a charged particle is projected in the kya hoga, in the uniform magnetic field, uniform magnetic field एट क्या होगा, एट एन एंगल थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, और क्या होगा,
थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि देखो यही क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बी क्या है, यूनिफॉर्म। यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है जिसपे प्लस क्यू चार्ज है, या चार्ज क्यू है प्लस क्यू या माइनस क्यू, इसको इधर हमने फेंक दिया बी के डायरेक्शन, यहाँ थीटा जीरो डिग्री हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा यार। दैट इज क्या होगा, वी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा यार, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा केस आप देखोगे कि क्या है, यहां मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड है, बी है अपवर्ड, और किसी चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, डाउन फेंक दिया, इस पे चार्ज क्या किया, तो यहां वी इज एंटी पैरेलल टू क्या हो गया है, बी, आई मीन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस केस में भी आप देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स अगेन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। समझ में आया ना। तो यहां भी पूछा जाता है कि जब भी क्या होगा, याद रखना है कि क्या होगा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, है ना, इन द, यहां हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया है, कोई जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म भी होगा लेकिन फील्ड के अलोंग होगा, तो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ये ध्यान देना है, आगे हम वो केस देखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, देन अगेन क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो एंड चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन द क्या होगा, स्ट्रेट, मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट स्पीड। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ भी नोट में हम क्या लिखेंगे कि नोट में अगेन लिखेंगे कि व्हेन व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, इज प्रोजेक्टेड अलोंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होगा, देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी क्या होगा, विल बी जीरो, हेंस अगेन चार्ज विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। क्या होगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो क्या आइदर क्या हो, चार्ज क्या हो रेस्ट में, आई मीन चार्ज क्या हो, क्या हो चार्ज, क्या हो रेस्ट में, नहीं रेस्ट में तो रेस्ट में भी फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज क्या हो, आइदर क्या हो चार्जलेस पार्टिकल हो और उस पर चार्ज हो, और यदि क्या हो पार्टिकल को क्या किया जाए, चार्ज होगा और उसको फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, आई मीन फील्ड के अलोंग प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसके मैग्नेटिक फोर्स उस पर क्या होगा, जीरो होगा, और चार्ज पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, अनडेविएटेड क्या होगा, मूव करेगा स्ट्रेट लाइन के अलोंग। कैसे मूव करेगा वो, चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडेविएटेड अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, अलोंग स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट स्पीड। तीसरा जो इसमें केस होगा वो क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में होगा। इसका मतलब क्या है कि केस थ्री जो है, केस थ्री क्या है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, व्हेन व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज क्या होगा, रिलीज्ड
इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रिलीज का मतलब क्या होगा कि वी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जिसे देखो ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और रिलीज का मतलब क्या हुआ कि वी क्या हो जाएगा, दैट इज यहां लिख देता हूं, दैट इज वी क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां चार्ज पार्टिकल है क्यू है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यहां वी क्या है जीरो है। तभी भी क्या होगा एफ एम, यदि आप मैग्नेटिक फोर्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा क्यू वी क्रॉस क्या होगा बी इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स नेवर, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड नेवर एग्जर्ट फोर्स ऑन द चार्ज विच इज एट रेस्ट, ठीक है। तो यहां भी क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा जीरो। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या है, आई मीन कोई भी पार्टिकल है आइदर क्या हो चार्जलेस हो और क्या हो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रेस्ट में हो, तो उस पर ऑलवेज मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है जीरो होता है। तो यहां लिखेंगे कि फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज विच इज एट रेस्ट क्या होगा, नोट में यहां लिख लेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज विच इज एट क्या होगा रेस्ट मस्ट बी क्या होगा मस्ट बी जीरो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो चौथा जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली पांच केसेस होते हैं, है ना। तो चौथा जो केस है वो क्या है, केस देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्या व्हेन क्या होगा, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द क्या होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। परपेंडिकुलर टू द क्या होगा टू द, ठीक है, आई मीन यहां क्या होगा भी इज क्या होगा परपेंडिकुलर टू क्या, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा क्या होगा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां मैं कई केस ड्रॉ कर रहा हूं आपको, है ना। आपको देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो ऑलवेज क्या होगा, अब मैंने ये नहीं बताया कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वी और बी पे परपेंडिकुलर होगा, ये आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट, हमने बहुत टाइम आई मीन 10 क्लास से क्रॉस प्रोडक्ट ही हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ऑलवेज क्या होगा वी क्रॉस बी, आई मीन वी एंड बी पे क्या होगा ऑलवेज क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो यहां देखो हमने क्या किया है, यहां ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेट, ये समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहां क्या है, ये देखो एक कोई चार्ज पार्टिकल है ना, क्या है यहां हमने अंदर फेंक दिया उसको, ये प्लस क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी से हमने क्या किया उसको प्रोजेक्ट कर दिया। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपको भी मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है यार, तो V क्रॉस B देखोगे तो किधर लाएगा, ऐसे लाएगा, फिर ये चार्ज क्या होगा ऐसे मूव करेगा, और ये देखा गया है कि इसका जो चार्ज पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा सर्कुलर पाथ पे क्या होता है क्या करता है सर्कुलर पाथ पे क्या होगा वो सर्कुलर पाथ पे अलवेज क्या होगा ऐसे क्या करेगा हर जगह, देखो यही क्या होगा सेंटर होगा, हर जगह जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा सेंटर की तरफ लाएगा, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा एफ, ठीक है। ए फिगर एक, ये आप देखते जाओगे, है ना, यहाँ यदि
3D होता तो आपको ज्यादा समझ में आता। बी क्रॉस बी जो होगा क्या होगा, अलवेज क्या होगा, सेंटर पे लगेगा। इस केस में क्या होगा, वो सर्कुलर। ये पाथ जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। दूसरा देखो यहाँ क्या है, फील्ड क्या है, इन टू द। यदि क्या होगा, यहाँ अगेन देखो चार फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए, है ना। यहां भी क्या होगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां चार्ज निगेटिव ऐसे फेंक रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, माइनस क्यू है। वी वेलोसिटी से हमने क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया। तो देखो यहां वी क्रॉस बी देखा होगा तो किधर होगा, अप लाएगा। लेकिन यहाँ चार्ज निगेटिव है तो वी क्रॉस बी, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा यार, इधर इधर लगेगा। अगेन क्या होगा, जो ये पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, मूव करेगा। ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे। यहाँ वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन क्या होगा, स्पीड ऑलवेज क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये फिगर यहाँ क्या है, दिस इज फिगर क्या होगा। तो हर केस में क्या है, इस केस में भी क्या होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब भी क्या होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। क्या होता है, पाथ सर्कुलर होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, ऐसे नहीं है कि हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं, वो अलग केस होगा यार। हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही क्या कर रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी इसमें कई केसेस भी होते हैं, आगे हम देखेंगे कि, ठीक है। तो यहां भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, सर्कल हो जाएगा, आई मीन पाथ क्या हो जाएगा, सर्कल। यहां भी जो पाथ होगा वो क्या होगा, सर्कल। लेकिन यहां देखो ये क्या होगा, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, यहां क्या होगा, चार्ज जो है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। अब यदि आपसे इसके बाद देखो, यहां अगेन ध्यान से देख लो और ऑल केसेस देख लो, फिगर। यहां मैं इनटू द क्या कर रहा, आउट ऑफ द फील्ड, आउट ऑफ द बोर्ड क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहा, ठीक है। क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड। यहां अगेन हमने क्या किया, चार्ज को हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव। तो देखो वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, अब यहां हमने क्या किया, चार्ज को ऐसे फेंक दिया, यहां क्यू है, ग्रेटर देन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका पाथ क्या होगा, तो कंप्लीट सर्कल नहीं होता है, आर्क होता है, सर्कुलर आर्क होगा, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां भी देखोगे कि वी क्रॉस बी देखोगे तो क्या होगा, यहां इस केस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इधर रहेगा। तो अगेन जो होगा क्या होगा, चार्ज तो मैग्नेटिक फोर्स, यहां भी क्या होगा, पार्टिकल जो होगा अगेन क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, अगेन क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे। ये क्या होगा, सर्कुलर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ये फिगर हमने क्या किया, सीक्वेंस। अब एक और फिगर है देखो, यहां हमने क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड है ना, और आउट ऑफ द क्या है, बोर्ड है। यहां अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं चार्ज, यहां हमने क्या मान लिया, निगेटिव, ये माइनस क्यू चार्ज। तो यहां देखोगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, देखो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे होगा, लेकिन चार्ज निगेटिव है तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट। तो यहां जो चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, मूव करेगा ऐसे, ठीक है। क्या होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, मूव करेगा ऐसे। तो हर केस में क्या होगा, यहां मैग्नेटिक फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहां हम अपने को हर केस में हमने देखा कि व्हेन एवर क्या होगा, ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी क्या होगा, सर्कल। क्या होगा, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी क्या होगा, सर्कल। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन क्या लिखेंगे कि व्हेन ए
चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द क्या होगा इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द क्या होगा टू द फील्ड देन पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल पाथ ऑफ द क्या होगा पार्टिकल विल बी क्या होगा विल बी सर्कल हम रेडियस यहां ये पूछा जाएगा क्या होगा पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होगा सर्कल होगा तो यहां आपसे ये पूछा जाएगा कि रेडियस आप कैसे कैलकुलेट करोगे ठीक है तो देखो यहां एक केस मैं कंसीडर कर रहा हूं यही क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना यहां तो यहां मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ द क्या होगा सर्कल ये कई बार पूछा गया है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ठीक है क्या होगा आर यहां देखो यही क्या है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द हमने क्या किया बोर्ड कंसीडर इनटू द हमने मान लिया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और क्या है इनटू द और इसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है ना वी स्पीड से ठीक है वी स्पीड से और ये चार्ज पार्टिकल क्या है पॉजिटिव हमने मान लिया तो ये ऐसे मूव करेगा ठीक है ऐसे क्या होगा याद रखना है कि कभी भी देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है कि वो क्या करता है केवल डायरेक्शन इसलिए यहाँ हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग फोर्स मैग्नेटिक फोर्स का काम क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करना चेंज करना वो स्पीड को कभी चेंज नहीं करता है स्पीड अप क्या होगा स्पीड नहीं बढ़ा सकता है और नहीं कम कर सकता है ठीक है वेलोसिटी कभी चेंज नहीं कर सकता है सॉरी वेलोसिटी नहीं स्पीड कभी चेंज नहीं कर सकता है वेलोसिटी चेंज करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करेगा चेंज कर देगा तो यहां हम क्या बोलेंगे इसको इसलिए हम बोलते हैं कि यहां डिफ्लेक्टिंग फोर्स है तो यहां केवल क्या होगा वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन क्या होगा स्पीड जो होगा क्या होगा कांस्टेंट रहेगा तो ये भी पूछा जाएगा तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है ना तो यहां fm कितना लगेगा fm इक्वल टू कितना होगा q v b हो जाएगा यही होगा ना यार है ना अब हम लिख सकते हैं याद करो सर्कुलर मोशन हम जब पढ़े थे तो हमने क्या देखा था कि टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू क्या होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेस तो हम लिख सकते हैं fm इज इक्वल टू क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर और एफ एम का वैल्यू रखो तो क्यू वी बी लिख सकते हो ठीक है यहां से वी और वी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो आप लिख सकते हो एम वी अपॉन क्या होगा आर इक्वल टू क्या होगा क्यू यहां से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो क्या होगा यहां से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो तो देखो आर इज इक्वल टू क्या होगा आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्या होगा क्यू आर क्या है रेडियस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी अपॉन क्या लिख सकते हैं क्यू ठीक है ये ध्यान देना यहां से भी क्यू जीरो कर दोगे तो आर इंफिनिटी हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ठीक है दिस इज क्या होगा लीनियर मोमेंटम और दिस इज क्या होगा Q चार्ज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो यहां से क्या होगा आपको ध्यान देना है कि अब यहां क्या होगा देखो यहां क्या है ये दिया रहा है कि चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ क्या होगा दिस मच काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड
विथ क्या होगा, तो यहाँ मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में क्या है पी का वैल्यू। अब देखो क्या है, एक फॉर्मूला याद रखना, मैंने बताया था इसमें जो भी क्या दिया हुआ हो, देखो ध्यान से कि पहले काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ये भी जानते हो तुम लोग। उसके बाद क्या होगा, चार्ज इंटू क्या होगा एक्सेलेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम इक्वल टू क्या होगा क्यू इंटू वी, ठीक है, इक्वल टू हम लिख सकते हैं थ्री बाई टू, क्या लिख सकते हैं के टी। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब आपने को क्या चाहिए इस रिजल्ट में, लीनियर मोमेंटम चाहिए, क्या चाहिए लीनियर मोमेंटम, यहाँ ये दिस इज क्या होगा, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये तो दिस इज एक्सेलेटिंग पोटेंशियल, और दिस इज क्या होगा टेम्परेचर, और दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो जो इसमें जरूरत हो, कभी एक्सेलेटिंग पोटेंशियल दिया होगा, कभी काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, कभी टेम्परेचर दिया होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे पी का वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देंगे, ठीक है। क्या है पी का वैल्यू क्या करेंगे हम निकाल करके यहाँ रख देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही है ना, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे और भी इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।